और इमरान खान की गिरफ्तारी की स्पेशल कवरेज में हमारे साथ पाकिस्तानी पत्रकार हसन दुरानी हैं और साथ ही पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ की पार्टी के नेता उज़्मा करदार भी हमारे साथ शो में जुड़ रही हैं। इसके साथ ही डिफेंस एक्सपर्ट मेजर जनरल रिटायर्ड ए के सिवाज जी हमारे साथ हैं और मेजर जनरल रिटायर्ड संजय मेस्टन जी भी हमारे साथ हैं जो पाकिस्तान मामलों के जानकार हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है। जी न्यूज़ के साथ आप लोग जुड़े और अब हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहला सवाल मेरा पाकिस्तानी पत्रकार हसन दुरानी जी आपसे है। आपसे हम ये जानना चाहते हैं कि क्या पाकिस्तान में सिविल वॉर ऐसी सिचुएशन नजर आ रही है, अब आगे क्या होगा? अच्छा, मैं ये कह रहा था कि जो आपने बात की है कि पाकिस्तान के अंदर जो है सिविल वॉर की अगर आप सिचुएशन की बात करते तो ऐसी कुछ सिचुएशन मुझे तो नजर नहीं आ रही। उसकी रीजन कुछ भी हो सकती है, लेकिन मैं उसकी जो उसका मैं बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ कि इससे ज्यादा टेंस हालात और इससे ज्यादा टेंस जो मामला था इससे पहले मैं देख चुका हूँ और बतौर एक सहाफी के मैं इन सारी बहुत सारी चीजों को कवर भी कर चुका हूँ। अगर हम देखते हैं तो 126 दिन का धरना जो था इमरान खान साहब का वो ज्यादा खतरनाक था, वहां पे सिचुएशन ज्यादा खतरनाक थी बार निस्बत एज कम्पेयर टू जो कि आज यहाँ पे आपको नजर आ रही है। और दूसरी बात ये है कि इमरान खान साहब कोई अवाम के लिए को कुछ करते हुए या उन्होंने जो है वो ऐसे काम किए जिसकी वजह से अवाम को कोई खुशी देने के लिए या उनको उनको सपोर्ट करने के लिए वो पकड़े नहीं गए या उन्होंने सिविल नाफरमानी की कोई तहरीक चलाई है, उन्होंने कहा कि देखिए बिजली के बिल बहुत ज्यादा है हम ज्यादा बिल नहीं देंगे, हम पानी के बिल नहीं देंगे, हम पेट्रोल या गैस के हम इस तरह ऐसी चीज बिल्कुल नहीं है। इमरान खान साहब गिरफ्तार हुए हैं तो वो एक ऐसे इशू के ऊपर गिरफ्तार हुआ है जो कि करप्शन का इशू है और उसमें जो डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट है वो उनकी मिसिस की है और उसके बाद क्योंकि इमरान खान साहब उस एक ट्रस्ट के हेड भी थे, उसको ट्रस्ट को चला भी रहे थे और उनकी जो जो उनकी वाइफ है उनके बेटर हाफ है वो उसको उसको हेड कर रही थी, उसको लेके चल रही थी और इसके ऊपर जो उन्होंने पैसे जहां से भी है, देखिए ये एक देखने वाली बात है और सोचने वाली बात है कि प्रोपेगेंडा एक अलग चीज होती है। पाकिस्तान का एक बिजनेस टाइकून था, उसका पैसे जो उसने पाकिस्तान से करप्शन की थी, उसने टैक्स एविजन की थी, वो पैसा वो इंग्लैंड लेके गया और इंग्लैंड उसको साबित नहीं कर सका, उसको मनी ट्रेल साबित नहीं कर सका जिसकी वजह से इंग्लैंड सरकार ने वो पैसा जो कन्फिस्केट कर दिया और उन्होंने पाकिस्तान स्टेट को वो पैसे वापस कर दिए। हसन जी माफी के साथ आपको रोक रही हूँ, इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है वो दर्शकों को बता दें, पाकिस्तान के गृह मंत्री सनाउल्लाह का बयान सामने आया है, इमरान के खिलाफ भ्रष्टाचार के सबूत की बात उन्होंने कही है, नोटिस के बाद भी पेश नहीं हुए थे इमरान और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अल कादिर ट्रस्ट केस में उनकी गिरफ्तारी हुई है, सत्ता में रहते हुए इमरान ने 60 अरब का घोटाला किया, यानी कि भ्रष्टाचार के आरोप उन पर लगे थे, 60 अरब का घोटाला उनकी तरफ से किया गया था। उज़्मा करदार जी आज इमरान खान कोर्ट पहुंचे थे, सुनवाई चल रही थी लेकिन उसी बीच रेंजर्स आए और उन्हें गिरफ्तार करके ले गए और ये तस्वीरें पूरी दुनिया ने आज देखी, भारत में भी हमने देखी, तो एक सवाल ये भी मन में उठ रहा था कि क्या इस तरह की जो गिरफ्तारी हुई है ये क्या एक आम गिरफ्तारी थी और भ्रष्टाचार के जो आरोप उन पर लग रहे हैं क्या ये कानूनी तरीके का सही तरीके से एक्शन लिया गया है इसमें? जी, मेरे ख्याल में आज खुल के पूरी दुनिया के सामने वाजे हो गया है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ है और कानून जो है वो सबके लिए बराबर होता है। ये 1 मई को इनके जो वारंट गिरफ्तारी जो थे वो नैब ने कोर्ट ने निकाले थे और इन्होंने उसको हवा में उड़ा दिया, इन्होंने शामिल तफ्तीश होने से भी बिल्कुल इन्होंने अपने आप को ना वो उसमें बिल्कुल शामिल नहीं हुए, उसमें रिफ्यूज कर दिया, तो इसलिए आज नैब कोर्ट की तरफ से जो वारंट गिरफ्तारी है उसकी वजह से इनकी गिरफ्तारी अमल में लाई गई है और ये जिस तरह आपके दूसरे गेस्ट ने कहा कि कोई सिविल डिसोबीडियंस या कोई पॉलिटिकल मूवमेंट की वजह से गिरफ्तारी नहीं हुई, ये करप्शन का एक केस है। 190 मिलियन पाउंड्स जो कि हमारे एक्सचेकर में आने चाहिए थे, स्टेट बैंक में आने चाहिए थे, वो इमरान खान साहब ने अपनी सवाबदीद के थ्रू उन्होंने साइफन करके एक बिजनेस टाइकून के प्राइवेट अकाउंट में डलवा दिए और उसके इवज 450 कनाल। लेकिन उज़्मा जी, जमानत पर सुनवाई अभी पूरी हुई नहीं थी और जो घटनाक्रम हुआ उस पर चीफ जस्टिस ने खुद नाराजगी जाहिर की है। मैं आऊंगी आपके पास सिवाज साहब, आपको अब हम चर्चा में शामिल करेंगे और मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पाकिस्तान में
आर्मी के कहने पर किस तरह से कार्रवाई होती है, क्या ये एक और एग्जाम्पल हमने देखा? क्योंकि जिस तरह से रेंजर्स गिरफ्तारी करने के लिए पहुंचे इमरान खान की, वो तस्वीर हैरान कर देने वाली थी। और इस तरह की बात कही जा रही है इमरान खान के समर्थकों की तरफ से कि उनकी हत्या भी हो सकती है, ये वो इसके पीछे कोई साजिश भी हो सकती है। और देखो, दो तीन बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। ये सच्चाई है कि इमरान खान को अरेस्ट करने में सक्सेसफुल नहीं हो रही थी पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट थी, और वो अब उनको मौका मिला क्योंकि आज वो पेशी का हो रही थी उनके इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो रेंजर्स ने उनको अरेस्ट कर लिया। मगर सच्चाई ये है कि अभी जो सिचुएशन, अगर इनको अरेस्ट किया है तो आवाम जो है वो सड़कों पे आ गया, क्योंकि जो पीटीआई के वर्कर्स आगे हैं और उनको ले जाया गया है रावलपिंडी में। और वो क्योंकि कुछ समय से जिस प्रकार से वो बातें कर रहे थे या फिंगर पॉइंटिंग कर रहे थे आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी पे, वो जो था वो पाकिस्तान की डीप स्टेट को बिल्कुल मंजूर नहीं था। ये याद रखो, जो भी होता है पाकिस्तान के अंदर उसके अंदर सब रावलपिंडी से हुक्म मिलते हैं, ना कि इस्लामाबाद से। तो मुझे लगता है कि इन्होंने लिमिट क्रॉस कर दी और इसीलिए जो हुआ। अब अगर सिचुएशन देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो अवाम है वो सड़कों पर आ रहा है, क्या सिचुएशन होगी वो तो समय बताएगा। मगर जो पाकिस्तान की आर्मी है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट के साथ खड़ी है, वो उसी पेज में है। अब कोर्ट डिसाइड करेंगे कि ये केस क्या, क्योंकि है तो ये नैब का केस जिस प्रकार से बता रहे हैं हमारे जो पाकिस्तान के गेस्ट हैं, क्योंकि ये नैब का केस है, ये एक प्रकार करप्शन का केस है। कोर्ट इसके ऊपर क्या डिसीजन देंगे उसके ऊपर डिपेंडेंट होगा। मगर ये सच्चाई है, अगर इमरान खान को अरेस्ट करते हैं तो ये जो आवाम है वो सबको पाएगा, पीटीआई वर्कर का। मगर ये कहना कि ये सिविल वार जैसी सिचुएशन होगी, ये मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। दूसरा एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है कि क्या फौज इसको टेक ओवर कर सकती है पाकिस्तान को। जी।